sir. Hi, hello and good evening to everyone. Myself Anand Joshi, मैं Real Motors Private Limited में as a sales head काम करता हूँ. First of all तो friends हम लोग बात करें तो basically since 2004 Real Motors जो हमारा brand है वो multi brand two wheeler car workshop related काम में लगा हुआ है. लास्ट ईयर से हम लोगों ने फ्रेंचाइज सेल में पान इंडिया लेवल पे एंटर किया हुआ है. राइट नाउ हमारे कंपनी के खुद के ओनरशिप में 5 आउटलेट रनिंग में है और 3 आउटलेट हमारे इन पाइपलाइन है इन बिटवीन दिस लॉकडाउन. सो फ्रेंड्स शैल वी स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन. ये हमारा ब्रांड है रियल मोटर्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुजरात बेस्ड हमारा कंपनी है. सिंस 2004 हम लोग फोर व्हीलर मल्टी ब्रांड कार रिपेयरिंग में काम कर रहे हैं. ये आपको वही बात दिखा रहा है, सर्विंग सिंस 2004 द मोस्ट इकोनॉमिकल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप इन इट्स क्लास. ये हमारा एक जर्नी है छोटा सा आपके सामने. से लेके हम लोग 2019 तक अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि 5 आउटलेट हमारे कंपनी की ओनरशिप में है गुजरात में वेरियस लोकेशन पे. और इस लॉकडाउन में हम लोगों ने 3 और फ्रेंचाइजी अलॉट किए हुए इन पाइपलाइन हमारी, उसकी प्रोसेस जो है वो चालू है. ये है रियल मोटर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन for all type of services, experienced team to train, centralized purchase system, marketing team for customer engagement, IT support and technology driven operation. ये बता रहा है आपको friends के Real Motor आप लोगों को क्यों join करना चाहिए. तो ये Real Motor join करने के reason मैंने आपको दिखा दिया. Then after अभी तक हम लोगों ने over 10,000 vehicles happily served किए हुए हैं. ये आपको जैसे मैंने अगली स्लाइड में भी आपको दिखाया कि वाई रियल मोटर्स, तो इससे आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि रियल मोटर जो है वो बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है. तो प्रोफेशनली रन ब्रांडेड वर्कशॉप है, मार्केटिंग टीम टू हेल्प एंगेज कस्टमर, कंसल्टेंट टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल वर्कशॉप बिजनेस, लो कॉस्ट ऑपरेशन, फ्रेंचाइजी ऑप्शन. तो ये मैंने आपको दिखाया फ्रेंड्स वाई रियल मोटर. एक तो ये इकोनॉमिकल ऑप्शन है, जो ब्रांडेड कार वर्कशॉप है वो काफ़ी महंगे रहते हैं और सेटअप कॉस्ट भी उसका काफ़ी हाई रहता है. तो उस हिसाब से हमारा जो मॉड्यूल है वो हम आगे देखेंगे, वो सारे मॉडल इकोनॉमिकल है. पूरे प्रोफेशनल तरीके से हम लोग इसको रन करते हैं. पूरा एक हमारा मार्केटिंग टीम बनाया हुआ है, वो मार्केटिंग एक बैकएंड पे आप लोगों के साथ में 24/7 बैठा रहता है, जो आपके कस्टमर एंगेजमेंट के लिए आपको हेल्प करता रहता है. इंडिविजुअल एक फ्रेंचाइजी को एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट मिलता है, कि ऐसा नहीं कि भाई आपको कुछ दिक्कत हुई तो आपने फ़ोन लगाया, इधर फ़ोन नहीं लगा उधर नहीं लगा. इंडिविजुअल पर फ्रेंचाइजी हम लोग उसको एक कंसल्टेंट देते हैं, भाई वो 24/7 उस फ्रेंचाइजी को रिलेटेड डेडिकेशन में रहता है और उनकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो अपने एंड से सॉल्व करता है. एंड देन नॉट लीस्ट बट लास्ट लो कॉस्ट फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है. ये कुछ बात करें हम तो ये है ऑटो सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटी है. ऑटो सेक्टर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हमने ये स्लाइड में दिखाई है कि जैसे इंडिया की बात करें तो ये 2-4% मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप पूरे इंडिया में अभी अवेलेबल है. तो उस हिसाब से देखें तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिकल ब्रांड कार वर्कशॉप में. और अभी की सिचुएशन में जैसे देखें तो सबको पता है कि जैसे आजकल नई गाड़ियों का सेल काफ़ी लो लेवल पे जा रहा है, तो उस हिसाब से भी आज
जो मार्केट ट्रेंड है, कस्टमर ट्रेंड है, वो भी सेकंड हैंड प्री ओन कार की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही जैसे वो प्री ओन की तरफ जाएंगे तो उस हिसाब से मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी कुछ काम होगा तो वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम पे मार्केट में जनरेट होगा। ये टोटल मार्केट हम लोगों ने शो किया हुआ है कि ऑटो सेक्टर का टोटल मार्केट 30,000 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें से जैसे मैंने अभी आपको बात किया कि एक बहुत बड़ा गेटवे ड्यू टू लॉकडाउन खुला हुआ है कि ऑफ वारंटी कार्स जो है वो अभी ऑन रोड मार्केट में 3 करोड़ से अबव गाड़ियां ऑफ वारंटी में चल रही है, जो या तो रोड साइड गैराजिस पे जा रहे हैं या तो ऐसे ही नियर एंड डियर वर्कशॉप पे जा रहे हैं। 2 टायर और 3 टायर सिटीज के लिए बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी क्यों है, तो जैसे 2 टायर 3 टायर सिटीज में सिंगल ब्रांड कार वर्कशॉप होते हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग एक ही जगह पे सारी गाड़ियों का काम करते हैं, सारी कंपनियों की गाड़ियों का काम करते हैं, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए ये काफ़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट में हम लोग आपको दिखाते हैं कि एक ब्रांडेड वर्कशॉप और एक लोकल वर्कशॉप के बीच में कस्टमर को क्या प्रॉब्लम रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडेड वर्कशॉप की। तो ब्रांडेड वर्कशॉप जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो काफ़ी कॉस्टली रहता है, और जैसे आपके पास एक से अलग ब्रांड की गाड़ियां है तो जैसे ब्रांड चेंज होगी तो आपका वो वर्कशॉप भी ब्रांड के साथ में चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास 2 गाड़ी है, एक मारुति की एक हुंडई की है, तो मारुति के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा, हुंडई के लिए आपको अलग वर्कशॉप पर जाना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम लोकल लेवल की बात करते हैं तो लोकल लेवल में सबसे पहले क्वालिटी इश्यू बहुत सारे रहते हैं कि वो रोड साइड गैराज में काफ़ी सारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जैसा काम वहाँ से नहीं मिलता है, उन लोगों के पास कोई रिमाइंडर वगैरह की कोई सिस्टम नहीं रहती है, प्री बुकिंग और कस्टमर कन्वीनियंस जैसा कुछ उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है, पिकअप ड्रॉप और ऐसी कुछ वैल्यूएटेड सर्विस भी वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो हमारी जो रिसर्च टीम और हमारे जो फाउंडर ने उन्होंने मिलके ये दोनों के बीच में एक लूज लूप ढूंढा कि भाई कस्टमर जैसे ही आता है तो उसको फीलिंग ब्रांडेड जैसा आना चाहिए, और जो उसके रिलेटेड वर्क हो रहा है वो वर्क उसको इकोनॉमिकल रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप इंट्रोड्यूस किया है। फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रेंचाइजी के मॉडल हैं। इसमें सबसे पहले आता है मॉडल है जिसमें हमारा एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट मिनिमम टू मैक्सिमम 6,000 स्क्वायर फीट है। उसमें कार रिपेयरिंग रिलेटेड सारा कुछ वर्क हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, कार केयर रिलेटेड जैसे कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, वो सारा कार के रिलेटेड, जिसकी अलग से आज मार्केट में काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज मिल रही है, वो हम लोगों ने इसमें पूरा इंक्लूड किया हुआ है। एसी और इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग इसमें आ जाता है, डेंटिंग पेंटिंग वर्क और एक्सीडेंटल जॉब भी आ जाता है। और ए मॉडल की हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 44 लाख। उसके बाद बी मॉडल आता है, तो बी मॉडल में अगेन एज कम्पेयर टू ए मॉडल कार रिपेयरिंग, कार केयर, एसी, इलेक्ट्रिकल अलाइनमेंट बैलेंसिंग आ जाता है। ये मॉडल को छोटा बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें से खाली कैशलेस फैसिलिटीज और डेंटिंग पेंटिंग वाला पोर्शन ही हटाया हुआ है। और देन आफ्टर सी मॉडल जो इसमें एरिया रिक्वायरमेंट है वो 3,000 स्क्वायर फीट रहता है, उसमें भी सारा कुछ है, उसमें से हमने कॉस्ट कटिंग की वजह से अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को हटाया हुआ है। उस हिसाब से ये हमारा कुछ 3 फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है। ये हमारी कंपनी का फ्यूचर फोरकास्ट, जैसे इंट्रोडक्शन में ही अशोक जी ने आपको बताया कि भाई कंपनी कौन से लेवल पे क्या सोच रही है, तो इन 2020 हम लोग 15 फ्रेंचाइजी सेल करने का प्लान है हमारा। उस हिसाब से अप टू 2030 हम लोग पूरे इंडिया में 200 वर्कशॉप ओपन करेंगे, ऐसा हमारी कंपनी का फ्यूचर प्लान है। अभी बात आती है फ्रेंचाइजी सपोर्ट, आप रियल मोटर की फ्रेंचाइजी क्यों ले, तो उसमें सबसे पहले आता है मार्केटिंग सपोर्ट। हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास पूरा बैक एंड पे एक मार्केटिंग टीम रहता है जो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनुअल मार्केटिंग, वर्बल मार्केटिंग, वो सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता रहता है और ऑपरेट भी करता रहता है।
उस हिसाब से आपको जल्दी ऑपरेशनल ब्रेक इवन पे आने का चांस मिलता है। दूसरा उसमें आता है बिजनेस डेवलपमेंट सेशन फॉर बिजनेस ग्रोथ, टाइमली रियल मोटर आपको ट्रेनिंग और ऑडिटिंग वो दोनों काम रियल मोटर करता है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे टाइम जाएगा पर क्वार्टर आपके साथ भी मीटिंग वगैरह अरेंज होगी और आपको भी हम लोग ट्रेन करते रहेंगे, नॉलेजेबल इनेबल करते रहेंगे कि आपका बिजनेस का जल्दी से जल्दी कैसे ग्रोथ हो। फिर आता है कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम, जैसे बहुत सारी मेंबरशिप है, फेस्टिवल ऑफर है, वो सारे कस्टमर ड्रिवन प्रोग्राम भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी मार्केटिंग का वो पूरा आइडियोलॉजी रहता है तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। बैक एंड पे हमारा पूरा आईटी सपोर्ट आपको मिलता है जिसमें पूरा पूरा इंक्लूडिंग जीएसटी से लेके सीसीटीवी सपोर्टेड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। रेगुलर आपकी ट्रेनिंग, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग वगैरह हम लोग टाइमली अरेंज करते हैं। और ऑपरेशनल सपोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक डेडिकेटेड एग्जीक्यूटिव आपकी फ्रेंचाइजी के लिए अलग से हम लोग देते हैं, जो कुछ भी आपके फ्रेंचाइजी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करता रहेगा। देन आफ्टर हम लोग आते हैं दोस्तों रोल ऑफ फ्रेंचाइजी और रोल ऑफ रियल मोटर। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ फ्रेंचाइजी पार्टनर का। तो फ्रेंचाइजी पार्टनर को क्या क्या करना रहता है, तो सबसे पहले तो उसको मॉडल के हिसाब से अपना कैपेक्स इन्वेस्टमेंट वगैरह रेडी करना रहता है। देन आफ्टर जैसे ही एलओआई वगैरह साइन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो जो भी मॉडल है उस मॉडल के हिसाब से रियल मोटर्स को पेमेंट करना रहता है। एक उसकी दी ओनर को दी गई हुई ट्रेनिंग के हिसाब से पूरा ऑपरेशन मैनुअल के साथ में उसको वर्कशॉप चलाना रहता है। रियल मोटर से स्पेयर पार्ट खरीदने रहते हैं और कस्टमर एक्विजिशन में रियल मोटर तो साथ देता ही है, बट जिस भी सिटी में आप हो तो उस हिसाब से आप भी आपका भी सपोर्ट हमें आपके ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए। देन आफ्टर आता है रोल ऑफ रियल मोटर्स, तो रियल मोटर क्या क्या सपोर्ट करेगा, तो आपके सिटी में जो कुछ भी ब्रांडिंग मार्केटिंग आपके वर्कशॉप का रहेगा वो पूरा का पूरा रियल मोटर का रहेगा। और स्पेयर सप्लाई जो है वो पूरा का पूरा रियल मोटर का रहेगा। आईटी में सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो इंक्लूड आपको इसमें आ जाएगा, रियल मोटर सपोर्ट करेगा। मैन पावर की ट्रेनिंग जो है वो भी आपको रियल मोटर प्रोवाइड करके देगा। और कस्टमर एक्विजिशन में जैसे मैंने बताया कि आपके साथ साथ रियल मोटर भी आपके साथ सपोर्ट में खड़ा रहेगा। जो आगे की शीट में हमने देखा कि रियल मोटर के स्कोप में क्या क्या रहेगा, तो रियल मोटर के स्कोप में रहेगा इन्वेंट्री, जो भी कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह आपको दिया जाएगा वो आपको रियल मोटर से लेना पड़ेगा। और ब्रांडिंग मार्केटिंग का जो कुछ भी मटेरियल रहेगा वो ब्रांडिंग मार्केटिंग का सारा कुछ मटेरियल रियल मोटर आपको प्रोवाइड करके देगा। स्टेशनरी पूरी की पूरी आपको रियल मोटर प्रोवाइड करके देगी। फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग आपको पूरी पूरी रियल मोटर की ओर से रहेगी। आईटी बेस्ड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। मार्केटिंग सपोर्ट में एक एंड से हमारी टीम आपके लिए रेडी टू वर्क रहेगी। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो कुछ भी मॉडल के हिसाब से आपको लिस्ट वाइज जो भी लगेगा वो सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको रियल मोटर प्रोवाइड करेगा। ये जो स्लाइड थी फ्रेंड्स वो है परचेस रिलेटेड, कि जैसे आज कई मल्टी ब्रांड में हम लोग जाते हैं तो उनके पास SAP SOP PO ट्रैकर ऐसे अलग से परचेस के लिए दो तीन सॉफ्टवेयर रहते हैं। इससे आपसे क्या होता है कि कभी कभी वहाँ पे इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट होती है और डेड स्टॉक वगैरह का इश्यूज रहता है। तो हमने आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है कि वो पहले से ये सब वेक्टर और SAP SOP मिला के बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर में ही आपको रिमाइंड वगैरह करता रहेगा कि भाई आपके पास अभी स्टॉक कम है ज़्यादा है ये वो, और हम भी वो स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम भी आपको रिमाइंड करवाएंगे कि ये स्टॉक आपके पास डेड पड़ा हुआ है, इसको हटाओ। जैसे अगली स्लाइड में हमने देखा दोस्तों कि मार्केटिंग सपोर्ट जो है वो रियल मोटर का रहेगा। तो मार्केटिंग सपोर्ट में रियल मोटर कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो सबसे पहले आपके वहाँ पे लोकली बैनर और न्यूज़पेपर ऐड होगा, मेंबरशिप ड्रिवन कैंपेनिंग चलाएंगे जिसमें काफ़ी सारी मेंबरशिप रहेंगी या फेस्टिवल ऑफर रहेंगे, डिजिटल प्रमोशन थ्रू सोशल मीडिया, ये पूरा हमारा बैकएंड पे जो हमारी मार्केटिंग टीम करती है। हमारा खुद का जो रियल मोटर्स इंडिया के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है उस पर वो लोग अपलोडेशन करते रहते हैं।
तो वो पूरी टीम आपको भी सपोर्ट करेगी। क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू मीटिंग हमारा ऑनर से लेके वर्कर से लेके स्टाफ के साथ पूरा एवरी क्वार्टर हम लोगों का ऑडिटिंग मॉनिटरिंग और मीटिंग रहता है, वो कुछ सारा रियल मोटर्स करेगी। सिटी वाइज कस्टमर डेटा टू अप्रोच न्यू कस्टमर, आपके शहर का कस्टमर के डेटा भी हम लोग आपको निकाल के देंगे, और टाइमली फेस्टिवल वगैरह भी हम लोग चलाएंगे। तो ये था हमारा मार्केटिंग एक्टिविटी पोर्शन। अब जैसे आगे देखा कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग कैसे और किस तरह से होगी, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि सबको एक साथ मिला के एक साथ बिठा के उनकी ट्रेनिंग करवा दी। हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन जो रहेगा वो पर्सन वाइज और उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे मैकेनिक्स वगैरह है, सर्विस एडवाइजर वगैरह है, तो उन लोगों को हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग अलग से प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपके फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स रहेंगे, आपकी सेल्स टीम, CRO, परचेस मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर, उनकी ट्रेनिंग अलग से रहेगी। और जैसे बिजनेस मेंटरशिप सेशन है, तो ये ऑनर के लिए रहता है। जैसे कोई ऑनर है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड नहीं भी है, तो हम उनको पूरा मेंटरशिप देके उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का पूरा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और एक फ्रेंचाइजी को जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन लेवल पर कैसे पहुँचाया जाए उनका पूरा नॉलेज और ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री में हम लोग इसके साथ में ही देते हैं। जैसे टैगलाइन में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको दिखाया हुआ है कि हम लोग कौन कौन सी ब्रांड की गाड़ियों का काम करते हैं। इसमें स्पेशली प्रीमियम कार्स का जो सेगमेंट है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वो सारी कार हम लोग इसमें अलाउ नहीं करते हैं। बाकी सारी की सारी ब्रांड की कार हम लोग इसमें रिपेयर के लिए अलाउ करते हैं। अब ये जैसे एक वर्कशॉप को चलाने के लिए कितना स्टाफ चाहिए, क्या चाहिए, तो वो मॉडल के हिसाब से हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है कि जैसे आपका ए मॉडल है, तो ए मॉडल में सबसे पहले ओनर आएगा, ओनर के अंडर में या तो वर्कशॉप मैनेजर या तो ओनर खुद वहां पे वो सीट संभालेगा। उसके नीचे जाए तो बात करें, आपका एक सर्विस एडवाइजर रहेगा, मार्केटिंग ऑफिसर रहेगा, CRO रहेंगे, फ्लोर सुपरवाइजर इंस्पेक्टर रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा और स्पेयर पार्ट इंचार्ज रहेंगे। मार्केटिंग ऑफिसर के अंडर में एक टेलीकॉल रहेगी, और एक एंड पे जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा एक मार्केटिंग का पूरा बैक एंड टीम बैठा हुआ है, वो पूरा का पूरा टीम आपको आपकी मार्केटिंग को ग्रो करने में सपोर्ट करेगा। और ये हमारे बाकी के दो मॉडल का वही का वही स्टाफ फ्लो अब हमने दिखाया हुआ है कि वर्कशॉप मैनेजर और स्पेयर इंचार्ज। जैसे ये मॉडल छोटा है तो स्पेयर पार्ट में इतनी सारी वो लायबिलिटीज नहीं रहती है, तो अकेला बंदा वो कर सकता है। मार्केटिंग के लिए रियल मोटर रहेंगी, एक ट्रू कॉलर रहेगा, सर्विस एडवाइजर, उसके नीचे उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नीशियन वगैरह रहेंगे, और एक अकाउंटेंट। उसमें हमने पार्ट टाइम भी दिखाया हुआ है कि सॉफ्टवेयर हमारा इतना अच्छा है कि आप चाहें तो अगर पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी रखें तो वीक में एक बार या दो बार विजिट करके भी वो आपका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। ये स्लाइड में हम लोगों ने दोस्तों प्रोसेस दिखाई हुई है कि रियल मोटर की फ्रेंचाइजी के अप्लाई एलिजिबल होने के लिए पूरी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के देना होगा, और उसके साथ में एक टोकन अमाउंट का DD देना होता है। वो सारी प्रोसेस और फॉर्म अप्रूवल होने के बाद आपको आपका LOI जनरेट होगा। LOI जनरेट होने के बाद आपका लोकेशन सर्च और उसकी अप्रूवल वगैरह की प्रोसेस होगी। जैसे ही लोकेशन सर्च और उसकी अप्रूवल आ जाएगी, उसके हिसाब से आपके लोकेशन पे बेसिक साइड वर्क अगर नीडेबल है तो वो करवाया जाएगा। साइड वर्क वगैरह जहाँ पे फिनिश होता है, वैसे आपको जो भी कुछ रियल मोटर का रिमेनिंग फाइनल पेमेंट है वो आपको करना रहेगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, रियल मोटर्स अपने सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम वगैरह आपके वो वर्कशॉप पे चालू करवा देगा। देन आफ्टर जब जब यहाँ इंस्टॉलेशन चालू रहता है, आपके साथ में मिलके हम लोग आपके मैन पावर की रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग वगैरह का सेशन चालू कर देंगे। जैसे ये सब कुछ कंप्लीट होता है, फाइनल चेक में हमारा डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी वर्क आता है। उसके बाद आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जनरेट होता है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेस हम लोग इनॉग्रेशन और ओपनिंग सेरेमनी में जा सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक प्रोसेस एक फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए।
अब बात आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई की टाइमलाइन की और उसके ऑपरेशनल ब्रेक इवन की। तो दोस्तों मॉडल के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉडल ए और बी और सी तीनों में आपको ऑपरेशनल ब्रेक इवन पे पहुँचने के लिए 8 महीने तक का टाइम लगेगा, यानी कि 8 महीने के बाद में आपका वर्कशॉप खुद का खर्चा उठाने के काबिल 8 ही महीनों में हो जाएगा। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई सा भी मॉडल हो, 2 साल में आपने जो भी कुछ पैसा लगाया हुआ है वो सारा का सारा पैसा रिटर्न हो सकता है। तो ये था हमारी फ्रेंचाइजी का प्रेजेंटेशन, आगे क्वेश्चन आंसर और बाकी प्रोसेस के लिए ओवर टू यू अशोक भाई। हेलो अशोक जी, भानु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। जी अशोक जी, ओवर टू यू। यस मिस्टर भानु, हेलो भानु जी। यस सर, हेलो। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप डायरेक्ट मिस्टर धर्मेश जी से बात कर सकते हैं, आनंद जी से बात कर सकते हैं, और ये काफी अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस लॉकडाउन टाइम के अंदर। लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न के सबसे सबसे बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आपको आज मिल रहा है इस वेबिनार के थ्रू। सर हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, मिस्टर रोहन है। हेलो मिस्टर रोहन जी का क्वेश्चन है गाजियाबाद से, वो जानना चाह रहे हैं फोको मॉडल पे है अपना ब्रांड या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फोको मॉडल पे? बहरहाल तो फोको मॉडल पे हमारा ब्रांड नहीं है, हम लोग ओनली फोफो मॉडल डील कर रहे हैं। ओके सर, मिस्टर रितु राज का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन फाइनेंशियल मॉडल, आई ज्वाइन लेट। उन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो फाइनेंशियल मॉडल दोबारा समझना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार दोबारा आप अपना फाइनेंशियल मॉडल बताएंगे। जी जी ऋतुराज जी, हमारे फ्रेंचाइजी के तीन मॉडल्स हैं, मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी। सिटी और एरिया के हिसाब से और सर्विसेज के हिसाब से इनको बाइफर्केट किया हुआ है। जैसे मॉडल ए है तो मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट हमारा 6000 स्क्वायर फीट है, और टायर ए सिटी के लिए ये मॉडल एकदम एग्जैक्टली सुटेबल रहता है, जिसमें रिपेयरिंग रिलेटेड सारा का सारा वर्क हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, कार केयर रिलेटेड सारा का सारा वर्क हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। कार केयर की जैसे अलग सी किसी, और आज मार्केट में काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज है, तो इंडिविजुअल वो फ्रेंचाइजी अलग से लेने के बजाय हम लोगों ने उसमें पूरा का पूरा कार केयर भी इंक्लूड किया हुआ है, एसी और इलेक्ट्रिकल वर्क सारा आ जाता है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग डेंटिंग पेंटिंग एक्सीडेंट जॉब पूरा आ जाता है। और ये मॉडल का हमारा कॉस्टिंग जो है वो 45 लाख रुपीज़ है। बी मॉडल जो है हमारा वो एरिया और रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम है उनका, और सर्विसेज के हिसाब से एस कम्पेयर टू ए मॉडल हमने उसमें से डेंटिंग पेंटिंग और एक्सीडेंट जॉब वो उसमें से हटा दिया है, बाकी सारी कुछ सर्विसेज उसमें हम लोग अवेलेबल रखते हैं। सी मॉडल जो है उसमें हम लोगों ने और छोटा एरिया और ये टायर टू टायर थ्री सिटी और स्मॉल टाउन के लिए काफ़ी सुटेबल मॉडल हम लोगों ने बनाया है, वो मॉडल में कार रिपेयरिंग कार केयर एसी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड पूरा का पूरा वर्क उसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है।
और ये मॉडल की हमारे जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो 16 लाख रुपीस है। तो ये ऐसे हमारे फ्रेंचाइजी के इन्वेस्टमेंट मॉडल है। अनंत जी, इनको आरओआई दिखा दीजिए। और ये हम लोगों ने आरओआई चार्ट बनाया हुआ है कि जैसे ए मॉडल है तो ए मॉडल में 8 महीने के अंदर अंदर आपका वर्कशॉप ब्रेक इवन स्टेज पे आ जाता है। ब्रेक इवन स्टेज उसका डेफिनेशन वो रहता है कि आपका वर्कशॉप जो है वो खुद उसका खर्चा निकालने के काबिल बन जाता है। और विदिन 24 मंथ यानी कि 2 साल में आपका जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपने वर्कशॉप के लिए किया हुआ है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपको रिफंड मिल जाता है। उस हिसाब से मॉडल बी और मॉडल सी में देखें तो ऑपरेशनल ब्रेक इवन, क्योंकि उनकी सेटअप कॉस्ट थोड़ी सी कम है तो ऑपरेशनल ब्रेक इवन उसका थोड़ा सा जल्दी हमें मिल जाता है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तीनों मॉडल में हमने 2 साल का रखा हुआ है कि 2 साल के अंदर अंदर आपका सारा कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाता है। तो ऐसा हमारा फाइनेंशियल मॉडल है। ओवर टू यू भानु जी। थैंक्स थैंक्स आनंद जी। जी दोस्तों, और किसी के कुछ सर, मिस्टर कृष्णा है चेन्नई से, उनका क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट फ्रेंचाइज टर्म्स एंड रिन्यूअल एंड हाउ मच रिक्वायर्ड एरिया फॉर ओपनिंग दिस आउटलेट। मैं हमारे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ आज हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर धर्मेश जी, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मिस्टर धर्मेश जी करें। कृष्णा है चेन्नई से, वो जानना चाह रहे हैं अबाउट द फ्रेंचाइज टर्म्स एंड रिन्यूअल्स, एंड उन्हीं का सेकंड क्वेश्चन भी है कि हाउ मच एरिया यू रिक्वायर्ड फॉर ओपन दिस आउटलेट। सर, अगर एरिया की बात करें तो मॉडल में दर्शाया हुआ है मॉडल है उसके अंदर 6,000 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए, जो बी मॉडल है उनके अंदर 4,000 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए, और जो सी मॉडल है उनके अंदर 3,000 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए। और रही रिन्यूअल और फ्रेंचाइज की बात, कंपनी जब फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइज कोई भी लेता है बंदा तो 5 साल के लिए उनका एग्रीमेंट होता है और 1 साल तक इनकी वैलिडिटी होती है, 1 साल के बाद इनकी रॉयल्टी भी शुरू होती है पर मंथ 10,000 रुपीज। एग्रीमेंट वैलिडिटी रहती है 5 साल तक, हर 5 साल के बाद रिन्यू करवाना है। थैंक्स धर्मेश जी, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर भानु, ओवर टू यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। सर, जोधपुर से मिस्टर मोहित जिंदल है, वो जानना चाह रहे हैं आपके कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है। गांधीधाम है सर, कच्छ गांधीधाम, गुजरात गांधीधाम। यस सर, डियर पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी या क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मिस्टर धर्मेश जी एंड आनंद जी। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप आनंद जी से और धर्मेश जी से बात कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर सकते हैं।
यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक करिए। आनंद सर जी रवि, आप पेज नंबर 5 ओपन करेंगे, बिग अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस पे। बिल्कुल जी दरवेश सर। यस ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं इस पेज पे थोड़ा डिस्कस और ज्यादा करना चाहूंगा कि बिग अपॉर्चुनिटी क्या है एग्जैक्टली। ये बिग अपॉर्चुनिटी जैसे आनंद जी ने बताया है ना, तो मैं इस पेज को लेकर थोड़ी और बात करना चाहूंगा कि अगर आप ऑटोमोबाइल की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उनका एग्जैक्टली मार्केट क्या है। भारत का आज का टोटल सर्विस का 30,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट है इंडिया के अंदर, तो इसके हिसाब से ये बिजनेस बहुत बड़ा होता है ना। और इसमें देखिए नीचे दिखाया हुआ है, हाँ, 3 करोड़ से भी ज्यादा ऑफ वारंटी कार है आज रोड ऑन रोड पूरे भारत के अंदर। और भारत के अंदर जितने भी सिटीज हैं, छोटे छोटे जो गांव होते हैं, वहां ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप बहुत ही कम होते हैं। जैसे इसमें बताया हुआ है 2 से 4% सिर्फ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है। अदरवाइज क्या होता है कि बड़े बड़े शोरूम होते हैं तो वहाँ कॉस्ट बहुत लगती है, और ज्यादातर क्लाइंट जो होते हैं गाड़ी वाले वहाँ ज्यादा जाना प्रीफर भी नहीं करते हैं। जब तक उनकी फ्री वारंटी और सर्विसेज चलती है तब तक वो लोग जाना पसंद करते हैं। और रोड साइड में आप सबको पता है, हमें भी पता है कि हम लोग रोड साइड पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ढंग से स्पेस नहीं होता है। अगर आज कोई भी गाड़ी है 5-7 लाख रुपए से, तो गाड़ियां आजकल चालू हो रही है, कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं अपने 5-7 लाख की कोई प्रॉपर्टी को ऐसे तैसे जगह छोड़ दूं। तो इसके हिसाब से ये मल्टी ब्रांड वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। मेजर जो सिटी है बड़ी बड़ी, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। अगर कोई छोटी सिटी है तो इसमें जो सी मॉडल है तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा उस चीज के लिए। आनंद जी एक पेज रिवर्स लीजिएगा, वाइड रियल मोटर जी। इसमें दिखाया हुआ है जैसे आनंद सर ने बात की कि वाइड रियल मोटर, हम लोग जो फ्रेंचाइज सेल करने के बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मल्टी ब्रांड का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रांडेड वर्कशॉप की तरह ये प्रोफेशनली रन करता है। इनका जो कॉस्टिंग होता है वो शोरूम से बहुत कम होता है और लोकल वर्कशॉप से थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल ऑप्शन है हर किसी गाड़ी के लिए। आज आप देख लीजिए मार्केट में, जैसे आनंद जी ने बताया कि भाई आपके पास मारुति की गाड़ी है तो मारुति के शोरूम में जाओ, हुंडई की गाड़ी है तो हुंडई के शोरूम में जाओ, तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक बेटर ऑप्शन से ऑटोमोबाइल के बिजनेस के अंदर। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है पूरे इंडिया का ऑटोमोबाइल के अंदर, तो ये बेटर से बेटर ऑप्शन है। जी सर जी, कोई क्वेश्चन किसी का तो प्लीज ड्रॉप करें चैट बॉक्स। बानू जी। यस सर, थैंक्स लॉट सर धर्मेश जी। यस मिस्टर बानो, ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं।
सर नागपुर से मिस्टर मनोज नागर हैं, वो जानना चाह रहे हैं फाइनेंशियल मॉडल, एक आउटलेट स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल मॉडल क्या है आपका, वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं उनको। अंदर प्लीज वो मॉडल वाला लिस्ट एबीसी वाला निकालिए। फाइनेंशियल मॉडल, ओके। जी आनंद जी, हुआ ओपन एक्चुअली, मेरा यहाँ थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। नहीं आनंद है, ये नहीं, उनको एक एक सेटअप के लिए चाहिए, तो एक सेटअप का नहीं, उनको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा ना वो कौन सा मॉडल चाहिए, ए बी सी। यस आनंद जी, यस सर, जो ये इन्वेस्टमेंट मॉडल है जो फ्रेंचाइज की कॉस्टिंग है, हम लोगों ने 3 फ्रेंचाइज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक ए मॉडल है, उसकी पूरी कॉस्टिंग की बात करें तो 45 लाख रुपए उसकी कॉस्टिंग है, 6,000 स्क्वायर फुट उसमें जगह चाहिए, उसमें जो सर्विस कार रिपेयरिंग, कार केयर, इलेक्ट्रिक व्हील, उसके पास जो मॉडल है उसकी कीमत 25 लाख रुपए है, उसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग अवेलेबल नहीं है और एक्सीडेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, और तीसरा जो मॉडल है वो सी मॉडल है, उसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग और व्हील अलाइनमेंट अवेलेबल नहीं है। ये ए बी और सी मॉडल है, सी मॉडल में 3,000 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, बी मॉडल में 4,000 स्क्वायर फुट जगह चाहिए और ए मॉडल में 6,000 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। सर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं वो थोड़ा क्लियर करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। धर्मेश जी, आप तीनों मॉडल ही प्लीज एक्सप्लेन करिए, ए बी और सी। नहीं, ये सर जो मैंने किया ना वो यही है एग्जैक्टली, मतलब इसके अंदर वो क्या जानना चाहते हैं। सर उनके अलावा और भी जो नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो सब समझना चाहते हैं, प्रपोजल मॉडल ए में क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट और बेनिफिट है, मॉडल बी में कितना इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है, मॉडल सी में कितना इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप तीनों मॉडल ही एक्सप्लेन करें, मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी। जी, आनंद भाई प्लीज। जी, तो हम लोगों ने 3 मॉडल डेवलप किए हुए हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी। वो एरिया वाइज और सिटी वाइज हम लोगों ने सिलेक्टिव रहे उस हिसाब से बनाए हुए हैं। तो हमारे जो मॉडल ए है उसका एरिया रिक्वायरमेंट जो है वो 6,000 स्क्वायर फीट का है। अब उसका पैकेज कॉस्ट जो है वो पूरा 45 लाख का है, तो वो 45 लाख के अंदर क्या क्या इंक्लूडिंग है, तो कार रिपेयरिंग के रिलेटेड जो कुछ भी काम रहता है वो सारे काम उसमें इंक्लूडेड है, सारे टूल्स वगैरह मशीनरी वगैरह वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, कार के रिलेटेड जो कुछ भी वर्क रहता है वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। आज दोस्तों मार्केट में 9 से 10 लाख रुपया तो खाली कार केयर की एक नॉर्मल सी फ्रेंचाइजी का लगता है, तो वो हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है।
एसी इलेक्ट्रिकल वर्क इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्सीडेंटल जॉब यानी कि कैशलेस टाइप जो रहता है इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में, वो सब कुछ हमने ये मॉडल ए में आपको इंक्लूड करके कंप्लीट पैकेज करके दिया हुआ है। मॉडल बी जो है वो 4000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड रखता है, उसमें कार रिपेयरिंग, कार केयर, एसी इलेक्ट्रिकल वर्क, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वो सब कुछ ही आ जाता है। बस हमने बल्कि और बल्कि इसमें कैशलेस फैसिलिटीज जो है वो हटा दी है इसमें से। और मॉडल सी जो रहता है वो हमारा सब अर्बन या रूरल एरिया स्मॉल टाउन के लिए काफ़ी सुटेबल हमने बनाया हुआ है, जिसमें कार रिपेयरिंग, कार केयर और एसी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब कुछ सारा वर्क उसमें आ जाता है। और उसका हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 16 लाख रुपया है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने एरिया और उसके हिसाब से तीन मॉडल अलग अलग दिखाए हुए हैं। थैंक्स अ लॉट आनंद जी एंड धर्मेश जी। अच्छा, ऑल पार्टिसिपेंट में कुछ कहना चाहूंगा। ये जो तीनों मॉडल है तो इसमें आप ये कंफ्यूजन मत रखना, तीनों मॉडल का जो लुकआउट है वो सेम, मॉडल की प्रोसेस सेम रहेगी, उसमें जो हेल्पिंग सिस्टम है वो सेम रहेगा, कंपनी मार्केटिंग सेम करेगी, ऐसा नहीं है। ये जो अमाउंट हो ना वो इस हिसाब से अगर कोई बंदा जयपुर में लेना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 45 वाला ले सकता है, लाख वाला ले सकता है। जयपुर के पास में अगर कोई छोटा, अगर कोई कहता है कि भाई हमें वहाँ 45 लाख वाला चाहिए तो हम मना बोलेंगे, क्योंकि वहां से इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। इसीलिए हमने तीन मॉडल बनाए हैं कि भी एक छोटा, बाकी आप जयपुर में भी सी मॉडल ले सकते हो, बी ले सकते हो, लेकिन एक छोटे गांव में आप ए और बी नहीं ले सकते हो। इसलिए हम लोगों ने ये तीन मॉडल बनाए हैं। काफी बार कि बड़ी बड़ी, ज्यादातर ऑलमोस्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है, जो बड़ी अमाउंट होती है वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि लोग बड़ी सिटी के लिए ले सकते हैं, लेकिन जब छोटी सिटी की बात आती है तो वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, उतनी गाड़ीज नहीं होती है, तो वहाँ उतना इन्वेस्ट पॉसिबल नहीं होता है। अगर वो इन्वेस्ट कर भी दिया तो होता क्या है कि वो बंदा 2 साल 4 साल फिर धीरे 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 थक जाता है इन्वेस्टमेंट कर करके। तो इसलिए हमने ये तीन मॉडल किए हैं कि एक छोटे से छोटा बंदा भी इसको ले ले सके। और जैसे आनंद सर ने बताया कि अगर आप सिर्फ कार केयर की भी एजेंसी फ्रेंचाइज लेने चाहते हो पूरे इंडिया के अंदर, तो कम से कम 12 से 15 लाख रुपए चाहिए सिर्फ कार। अगर आप सी मॉडल भी लेते हो किसी भी सिटी में ऑल ओवर इंडिया ना, तो उसमें कार मेंटेनेंस पूरा आ गया, पूरी कार केयर आ गई और पूरा एसी एंड इलेक्ट्रिक आ गया, और कंपनी का सपोर्ट तो तीनों मॉडल में सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ए मॉडल है तो वहाँ ज्यादा सपोर्ट करेंगे, सी मॉडल है तो वहाँ कम सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मॉडल में उतना ही कंपनी का सपोर्ट रहेगा। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। ओके धर्मेश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में चंडीगढ़ से मिस्टर मनोहर शर्मा जी का। वो जानना चाह रहे हैं कि रियल मोटर्स को मिनिमम गारंटी ऑफर करता है। नहीं सर, ऐसे को गारंटी ऑफर नहीं करती ये कंपनी मिनिमम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्रूवन है। हमारे गुजरात के अंदर खुद के आउटलेट है। मैं अपनी बात करूँ तो 2004 से मैं इसी बिजनेस में हूँ, तो मैं ये पर्सनल गारंटी ले सकता हूँ कि भाई आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके चलेगा। सर, मनोहर जी का दूसरा क्वेश्चन है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है एक फोर व्हीलर सर्विस स्टेशन ओपन करने के लिए? सर, कंपनी की ओर से या उनकी ओर, गवर्नमेंट की ओर से? गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज। सर, गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज में कुछ नहीं चाहिए। वो जो भी जगह पे वो कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी खुद की है या रेंटेड है, तो उनको लेके खाली उनके जो स्टेट या जो जिले के जो लाइसेंस है वही लेने पड़ते हैं। उनके अलावा एक्स्ट्रा लाइसेंस हमारे एरिया में नहीं होते। मतलब वो एक ही साउथ की तरफ है तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का वो लाइसेंस चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं चाहिए पूरे इंडिया में।
नॉर्मल जीएसटी कंपलसरी है। आप जहाँ भी लैंड, जैसे वो चंडीगढ़ से बात करें तो चंडीगढ़ में जो भी उनकी नगर पालिका है, जो लीगल लाइसेंस होते हैं वो लेने पड़ते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है इसमें ऑटोमोबाइल में, क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस है ये। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप धर्मेश सर और आनंद सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। सर, ऋतु राज्य का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन ब्रेक वन पॉइंट। कितने टाइम में ब्रेक वन पॉइंट हम निकाल लेंगे? आनंद भाई प्लीज एक बार ओपन कर दीजिए। जी जी सर, सर ये ब्रेक इवन का है, मॉडल ए बी सी का ऑपरेशन ब्रेक इवन है। ए मॉडल में 8 महीने लगते हैं, 8 महीने के बाद वो जो यूनिट होता है खुद का एक्सपेंस निकाल लेता है। ऐसे ही बी में है तो वो 6 महीने है, जी में 6 महीने है, और पूरा आरओआई है वो 24 महीने, 2 साल। जी सर, उनका क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन ऑपरेशन कॉस्ट्स। सर उनका नंबर आप ले लीजिए, है ना, तो उसकी एक पूरी एक्सेल सीट है, तो वो इस पे पॉसिबल नहीं है शो करना। राइट सर। ऋतुराज जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। आफ्टर दिस वेबिनार रियल मोटर्स टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पे क्लिक कर दीजिए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना रेजेंट कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट आनंद जी एंड धर्मेश जी। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज बेस्ट मल्टी ब्रांड फोर व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड रियल मोटर्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सेल्स हेड मिस्टर आनंद जी से और ब्रांड ओनर मिस्टर धर्मेश जी से जाना। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट मिस्टर धर्मेश जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Please note down the contact number. It's 9898096332. Dear participants, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दें। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने franchiseapply.com का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप डेली बेसिस पर लास्ट रिकॉर्डेड वेबिनार का पूरा वीडियो देख सकें। एंड ए वॉर्म थैंक्स टू मिस्टर आनंद जी एंड धर्मेश जी फॉर एड्रेसिंग टुडे वेबिनार सेशन।
आनंद सर एंड धर्मेश सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर थैंक दिस यू अशोक वंडरफुल जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू. डियर पार्टिसिपेंट, कल हम फिर मिलेंगे शार्प 4 o'clock विथ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स के साथ में. टिल देन बाय एंड टेक केयर. थैंक्स. इसको एंड करो.